तो कहीं ना कहीं आज संत आसाराम जी बापू ने धर्मांतरण रोकने का काम किया, गौशाला के लिए काम किया, कहीं ना कहीं जो जन जागरण का व्यापक रूप से काम हो रहा था, क्या लगता है आपको इन सब? ये तो हम एक ही शब्द में कहेंगे, राजनीति की दरिद्रता। ये सब राजनीति की दरिद्रता है और कुछ भी नहीं है। राजनीति अपनी अपनी रोटियां सेकती है, क्यों? संत बेचारे दुखी होते हैं, किंतु अंत में संतों का जो दुशासीस है वो लगता है, वो लगेगा। हिंदुत्व को समाप्त करना आज यही कोर्ट की नीति हो चुकी है, आज यही कोर्ट की नीति हो चुकी है, क्यों? हिंदुत्व को समाप्त करना। हम कहते हैं पल्स पोलिया पिलाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को पल्स पोलिया पिलाया जा रहा है। क्यों पिलाया जा रहा है? जैनियों को जैनी नहीं पिलाते हैं, मुसलमान नहीं पिलाते हैं, ईसाई नहीं पिलाते हैं, केवल हिंदू को पिलाना पड़ता है। क्यों? हिंदुत्व को समाप्त करने के लिए। लोग कहते प्रमाण दो हमारे को, ऐसा क्यों हो रहा है? प्रमाण है? अभी ये विषय 20 साल से चला हुआ है। जिस बच्चे को पल्स पोलिया पिला दिया उसकी शरीर की भंगिमाओं को देखिए, और जिसको नहीं पिलाया उसकी देखिए। क्यों? ये नपुंसकता को पैदा करने के लिए ये हो रहा है। श्रीमान जी, हिंदुत्व को ना डॉक्टर मानने वाला आज, ना कोई नेता नांगला मानने वाला आप, ना कोई राजनीति वाले मानने वाले। वो तो कहते हो रहा है सो अच्छा हो रहा है, किंतु इसका भविष्य में रिजल्ट आएगा और हिंदू कम रह जाएंगे। हिंदू नाम की चीज समाप्त तो कभी भी नहीं होगी, समाप्त कभी नहीं होगी, किंतु अल्प संख्या में रह जाएंगे। समाज को स्वामी जी क्या करना चाहिए, जहाँ पर राजनीतियाँ तो अपना भूट करो राज करो की नीतियाँ अपनाती है, वही समाज को फिर क्या करना चाहिए, क्या समझते? अब समाज को तो बेचारो क्या करना चाहिए, एकजुट रहो, अपना भजन करो, ईश्वर के अधीन रहो, यही होगा। नेताओं से कोई आशा लगा करके बैठे झूठा नो। मुसलमानों में और पार्टियों में कोई अंतर नहीं है। भाई ये बताइए कि जैसे कोई कुएं का या कोई झरने का मूल जहाँ से जल निकलता है उसको ही समाप्त कर दोगे तो तालाब तो अपने आप सूख जाएगा। आज आसाराम बापू कैसा भी कितने लोगों को देखो, लहसुन प्याज छुड़ा दिए, मांसाहारी से शाकाहारी बना दिए, राम नाम राम राम लोग हरिओम जपने लगे, कितने ईसाइयों को हिंदू बना दिए, हिंदू जो जा रहे थे ईसाई बना दिए तो उनको हिंदू बना दिए, कितना बड़ा काम किए। तो जब संतों का अपमान होगा, अत्याचार बढ़ेगा, संतों को समाप्त किया जाए, इसलिए लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं। उनका एक खड़जन से एक उनका ये है कि किसी तरह इसको समाप्त किया जाए। समाज को ऐसे समय में अच्छे आदमी का साथ देना चाहिए, अपने संतों का, अपने सनातन धर्म का खड़े होना चाहिए, आवाज करनी चाहिए, एकता लानी चाहिए, तब जाके होगा। आज सब धर्मों में एकता है। आप पादरी को कुछ कह दो आज, कुछ आज मौलानों को आप कुछ कर दो, आज खाली हिंदू सनातन धर्म के ऊपर ही प्रहार हो रहा है। आसाराम बापू की बात करते हो, मैं तो ये कहता हूँ उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। घोर एक नंबर के जो अपराधी हैं उनको बेल मिल जाती है, लेकिन ये क्या षड्यंत्र है इसको हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन हमें दुख है कि आसाराम जी ने वो जो ईसाई मिश्रियों के खिलाफ या वनवासी गिरवासियों के उत्थान के लिए जो कार्य किया है, हमारे कुर्सियों पर जो बैठे हुए लोग हैं वो कहीं न कहीं उस मानसिकता से ग्रसित हो चुके हैं जो पाश्चात्य संस्कृति की है। उनको लग रहा है कि इस व्यक्ति को अंदर रखने में